हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ओवरस्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में सारा संसार एक बहुत ही भयंकर कोरोना महामारी से गुजर रहा है। कोरोना महामारी जो है और भयानक इसलिए हो जाती है कि इसके उपचार के लिए अभी कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं, क्योंकि ये अपने तरीके का एक नया वायरस था और इस वायरस के सिम्टम्स कभी देखे नहीं गए थे। तो इसलिए ये महामारी जो है और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, कोई भी देश को या इवन WHO को भी अभी तक क्लियर पता नहीं हो पाया है कि ये महामारी फैल कैसे रही है। कई बार कहा जाता है ड्रॉपलेट से फैल रही है, जो कि हम आपस में बात करते हैं तो जो बात करते टाइम जो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट निकलती है वो किसी और के संपर्क में आती है, तो उसको भी कोरोना महामारी हो सकती है अगर सामने वाला व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। इनके बीच में अभी आपने देखा होगा कि कहा जा रहा है कि आप सारे न्यूज में सुनते होंगे कि कोरोना का सेकेंड फेज चल रहा है, दूसरा दौर चल रहा है। तो पहले दौर और दूसरे दौर की बात जब चल रही है तो उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो जल्दी ही थर्ड फेज आ जाएगा, यानी कि तीसरा दौर आ जाएगा। तो पहले फेज में जब कहा गया था कि किसी को भी कोरोना के जो लक्षण है वो 14 दिन में पता चलते हैं या 14 दिन में वो असरदार होते हैं, तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता था। आज की डेट में क्या है कि वो जो 14 दिन के लक्षण थे वो 5-6 दिन में आ जाते हैं। इसलिए जो इस टाइम जो कोरोना जो वायरस से मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडिया में भी अभी तक आपने देखा होगा कि लगभग 2.5 लाख लोग इससे शिकार हो चुके हैं। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं, क्या करना चाहिए हमको? अभी हमने देखा जो सेकेंड फेज चल रहा है हमारे यहाँ सेकेंड फेज में ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ गए तो हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिली, जो ऑक्सीजन का जो सपोर्ट सिस्टम था वो कम हो गया, लोगों को एम्बुलेंस मिलना मुश्किल हो गया। तो इस दौर में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से मदद करने की कोशिश करी इसमें, ठीक है। उसी तरीके से लर्नोवर्सिटी की टीम ने भी अपने अपने एरिया में, लोकल एरिया में मदद करने की कोशिश करी और लोगों को जहां तक हो सका वहां पर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराया हॉस्पिटल तक जाने के लिए। तो इसी दौरान लोगों से बातचीत करने में लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली और पता चला कि लोगों में एक बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जो जो कोरोना वायरस के जो वैक्सीन आ रहे हैं इस समय, उस वैक्सीन को लगवाने या ना लगवाने के लेकर लोग असमंजस में हैं। तो उसी असमंजस को दूर करने के लिए मैं ये जो है वीडियो आपके पास ला रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवानी भी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, क्या वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या वैक्सीन जानलेवा है, जैसे कि लोग कहते हैं गांव जो हमारे लोकल एरिया में लोग हैं वो कहते हैं वैक्सीन लगवाने से लोगों की डेथ हो जाती है। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे कि क्या है ये, कि क्या ये सही है या ये सही नहीं है। मेन चीज क्या है कि वायरस आपने देखा होगा, कोरोना वायरस आपने टेलीविजन पे देखा होगा, न्यूज में देखा होगा किस तरीके का होता है। तो उसका स्ट्रक्चर लगभग इस तरीके का बताया गया है। जैसा कि हमने कहा कि वायरस क्या है, वायरस एक बैड न्यूज है प्रोटीन कोटिंग में लिपटे हुए। कई बार उस कोटिंग के साथ साथ कुछ प्रोटीन की स्पाइक्स होती है, इनको एनवेलप या स्पाइक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो होती है वायरस के साथ लगे हुए होते हैं। तो जो ये प्रोटीन के जो एनवेलप है या स्पाइक्स जिनको बोलते हैं, ये काम क्या करते हैं, हमारी बॉडी है, बॉडी में भी सेल्स हैं इस तरीके के, ठीक, जिनसे हमारा आरएनए इंटरेक्ट करता है और यहाँ सेल्स प्रोटीन का निर्माण करना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से ये वायरस जब आता है तो इस वायरस के जो प्रोटीन है, स्पाइक्स हैं, वो इसके सेल से इंटरेक्ट करते हैं और ये क्या करता है कि वो सेल के अंदर चला जाता है वायरस। जब वायरस सेल के अंदर जाता है तो अपने ही तरीके के कई सारे वायरस में ये टूट जाता है, ठीक है। तो अगर एक वायरस भी आपके अंदर पहुंच गया और वो 2-4 दिन 5 दिन तक बना रहा तो वो लाखों करोड़ों वायरस आपके अंदर पैदा कर सकता है। तो इसी तरीके से ये वायरस क्या करता है, अपने आप को फैलाता है और आपके शरीर को कमजोर करना स्टार्ट कर देता है। तो वैक्सीन, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये तो पता चल गया कि हमारा वायरस क्या है, वायरस कैसे जाता है हमारे शरीर में और वो शरीर को कमजोर कैसे करना स्टार्ट कर देता है या शरीर में जो भी आपको बीमारी है वो कैसे पैदा करना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से वैक्सीन जो बनाई जाती है, वैक्सीन इस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाई जाती है। हो सकता है वो वैक्सीन इस वायरस को मार ना सके लेकिन न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाई जाती है। वैक्सीन का काम क्या है या वैक्सीन कैसे काम करती है, आपने देखा यहाँ पे जो भी वायरस के लिए स्पाइक्स थे यानी प्रोटीन स्पाइक्स थे, उसी तरीके से वैक्सीन जो बनाई जाती है, वैक्सीन इस काम के लिए बनाई जाती है कि ये स्पाइक्स जो है वो इससे अटैच अगर हो जाती है तो ये सेल के अंदर ना जा पाए, क्योंकि इस वायरस को एक टेम्परेचर और एक वातावरण चाहिए होता है अपने आप को ब्रेक करने में या अपने आप को फैलाने में, ठीक है। तो जब तक ये बाहर रहेगा सेल से तब तक उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा और ये वायरस जो है अपने आप को उतना ज्यादा नहीं फैला सकता है। तो इस वायरस को आपके आपके सेल में जाने से रोकने के लिए जो भी है वो वैक्सीन बनाई जाती है।
अब उनके वैक्सीन के क्या क्या टाइप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम आगे हम बात कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें अगर आपको सारी चीजें समझनी है और डिसाइड करना है कि वैक्सीन आपको लगवानी है या नहीं लगवानी है, अगर लगवानी है तो कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, ठीक है। तो इसको जानने के लिए, कन्फर्म करने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो वैक्सीन मैंने बताया कि जो है कि ये वायरस है आपकी सेल के अंदर ना जा पाए, इसलिए वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है। तो अब ये वैक्सीन जब ये बनाई जाती है तो किया क्या जाता है इसमें, तो कई सारी टेक्निक्स है, आगे हम बात करेंगे जो जो मेडिसिन हमारी अवेलेबल हैं वो किस किस टेक्निक से बनाई गई हैं, ठीक। देख लेते हैं कि हमारी इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है। हमारे इंडिया में अभी तक दो वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो कि सबसे पहले अवेलेबल वैक्सीन हुई थी वो कोविशील्ड थी। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है और ये ब्रिटेन बेस्ड जो कंपनी है उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है इस वैक्सीन की वो इंडिया में हो रही है, किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। उसी के साथ साथ जो दूसरी वैक्सीन जो भी मेड इन इंडिया कह सकते हैं वो आई किसने बनाई, भारत बायोटेक ने बनाई और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के साथ मिलकर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन तीन संस्थाओं ने मिलकर इस मेडिसिन का निर्माण किया और नाम क्या दिया गया इसको, कोवैक्सीन, ठीक है। तो अभी तक आपको जो हमारी कंट्री है इसमें दो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में कि ये क्या है, कौन सी वैक्सीन किस तरीके से बनाई गई और कौन सी वैक्सीन किस तरीके से प्रभावशाली है, इन सारे की चीजों के बारे में बात करेंगे। हाल ही में न्यूज में आपने देखा होगा एक तीसरी जो मेडिसिन है या तीसरी वैक्सीन है जो मेड इन रशिया है, उसको भारत सरकार ने इमरजेंसी यूज के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कराया है, स्पुतनिक V। स्पुतनिक वी एक अपने अलग तरीके की एक वैक्सीन है जिसको गेमालिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है जो कि मॉस्को बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ये भी मिड मई से आपको अवेलेबल हो जाएगी और क्या रेट इसके रहेंगे, क्या इसकी एफिशिएंसी है, क्या ये सबसे अच्छी है या ये सबसे खराब है, कौन सी मेडिसिन सबसे अच्छी है, कौन सी मेडिसिन सबसे खराब है, इन सब के बारे में हम बात करते रहेंगे। हम आपको फैक्ट बताते रहेंगे और आप अपने हिसाब से समझ जाएं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की, जो ये सारी वैक्सीन है वो किस टेक्नोलॉजी से बनाई गई। जैसे कि हमने बताया था कि जो वायरस का जो ये स्पाइक्स होते हैं, इन स्पाइक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी कि इन स्पाइक्स के जरिए जो वायरस है आपके सेल के अंदर ना जा पाए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविशील्ड वैक्सीन की। कोविशील्ड वैक्सीन क्या है, ये वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन का क्या मतलब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस। जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस का मतलब क्या हो सकता है कि इस वायरस को, कोई भी वायरस है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है कोरोना वायरस की तरह, जिससे कि आपकी बॉडी में यह जाके आपके बॉडी को यह बता सके कि हाँ इस तरीके का कोई चीज आएगी तो इसको आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है, इसको वापस कर देना है या इससे लड़ाई करनी है। तो होता क्या है वायरल वैक्टर में, वायरल वैक्टर में क्या किया गया, इस कोविशील्ड को बनाने के लिए क्या किया गया कि एक वायरस है जिसका नाम है एडेनो वायरस। एडेनो वायरस क्या करता है कि ये आपके शरीर में भी मौजूद होता है, कई सारे जानवरों के शरीर में भी मौजूद होता है और ये आपको कोल्ड जो होता है, सर्दी जुकाम आपको जैसे होता है वो एडेनो वायरस की वजह से होता है। तो ये जो एडेनो वायरस है, कोविशील्ड जो बनाने के लिए एडेनो वायरस लिया गया वो कहाँ से लिया गया, ये चिंपैंजी से लिया गया। तो चिंपैंजी पे सर्दी जुकाम जो होता है वो एडेनो वायरस की वजह से होता था। उस एडेनो वायरस को लेके उसमें क्या किया गया कि ये सपोज यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर है एडेनो वायरस का, इसमें क्या किया गया, जो इसकी स्पाइक्स थी, जो आरएनए इसका था, वो पहले से हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में सर्दी जुकाम पहले से होता रहता है या जानवरों में सर्दी जुकाम होता रहता है तो इतना हार्मफुल नहीं होता। तो किया क्या गया कि इसकी जो स्पाइक्स थी उससे प्रोटीन कट करके जो आपका आपका कोरोना वायरस है उसकी प्रोटीन को निकाल के और इसके साथ इंटरेक्ट करा दिया गया, यानी कि इसकी प्रोटीन को हटा के इसकी प्रोटीन को लगा दिया गया। तो और ये आपके एक लिक्विड के साथ मिला के आपकी बॉडी में डाल दिया गया। जैसे ही ये बॉडी में गया, इसको शरीर को पता चला कि ये कोई वायरस आया है जिसको एडेनो वायरस हमारा शरीर पहले से ही जानता है, और ये वायरस जब ये प्रोटीन जाएगी तो इस प्रोटीन के बारे में शरीर को पता चलेगा। लेकिन ये वायरस क्या है कि हमारे शरीर में उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, हमारे शरीर में हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन जो कोरोना वायरस की प्रोटीन थी, प्रोटीन तो अपने आप को तोड़ नहीं सकती, जब तक कि इसका आरएनए नहीं पहुंचेगा शरीर में तब तक ये अपने आप के फोटोकॉपी नहीं बना पाएगा। तो उस हमारे शरीर को पहले से ही पता चल जाता है कि इस तरीके की अगर प्रोटीन आए तो उसको रोकना है। हमारा शरीर क्या करता है कि एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, टी
टी एंटीबॉडीज बोला जाता है, टी टाइप की एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट कर देता है। तो कभी भी अगर ये ओरिजिनल कोरोना वायरस आया तो उसको पहले से पता है कि इस टाइप की जो भी प्रोटीन आएगी उसको रिपेल करना है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो जो हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो सेल बनी होती हैं, तो ये इनके ऊपर क्या करता है, ये जो हमारी एंटीबॉडीज हैं ये आके इसके ऊपर ऐसे बैठ जाती है। ठीक है, तो ये काम क्या होता है कि जब भी कोरोना वायरस यहाँ पे आया तो ये एक बैरियर का काम करता है बिटवीन सेल एंड प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये जो हमारा सेल होता है और जो हमारा कोरोना वायरस की प्रोटीन है उसके बीच में एक ये बैरियर का काम करता है और इस सेल को अंदर नहीं जाने देता है। तो उससे क्या होता है कि ये वायरस हमारे शरीर में जरूर रह पाता है लेकिन ये अपने आप को फैला नहीं सकता है और कुछ दिन बाद ये नष्ट हो जाता है। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये जो वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, ये पहले भी यूज करी जा चुकी है। बहुत सारी बीमारियां थी पहले, जो बहुत सारे वायरसेस आए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनसे बचाव के लिए बहुत सारी वैक्सीन बन चुकी हैं और ये बहुत सारी वैक्सीन हम लेते भी रहे हैं। तो इन जो 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 वायरल वेक्टर बेस्ड या एडेनो वायरस बेस्ड, जो भी चिंपैंजी के एडेनो वायरस बेस्ड जो वैक्सीन थी, जो पहले जो बन चुकी हैं, वो कौन कौन सी वैक्सीन है, इबोला की वैक्सीन इसी फॉर्मूले पे बनी थी, जीका वायरस की जो वैक्सीन थी वो भी इसी फॉर्मूले पे बनी थी, फ्लू और एचआईवी की जो वैक्सीन है वो भी इसी फॉर्मूले पे बनाई गई, यानी कि चिंपैंजी के एडेनो वायरस को लेके उसको जो भी आपका वायरस है, यहाँ पे हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस की प्रोटीन को लेके उस एडेनो वायरस पे फिट कर दिया गया और आपके शरीर में डाल दिया गया, जिससे कि हमारे शरीर को पहले से पता चल गया कि इस तरीके की प्रोटीन आ सकती है। उस प्रोटीन से बचने के लिए हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज को बनाना स्टार्ट कर दिया। उन एंटीबॉडीज ने क्या किया कि जब भी अगर कोई कोरोना वायरस, रियल कोरोना वायरस आया, तो उसने उस प्रोटीन को पहचान लिया और उसको हमारी सेल के अंदर जाने से रोक लिया। तो सिंपल सा वायरस का जो हमारी वैक्सीन है, इतना सा काम है कोविशील्ड का। नेक्स्ट हमारी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो हमारी भारत में बनाई गई वैक्सीन है, और इसके जो बनाने की प्रक्रिया है ये बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है, जो कि वैक्सीन बनाई जाती रही हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो एक वायरस होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, तो रियल कोरोना वायरस को लेके उसके जो आरएनए होता है उसको इनएक्टिव करके, जो उसकी प्रोटीन होती है उसको एज इट इज छोड़ के हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। क्योंकि उस वायरस को आरएनए को इनएक्टिव कर दिया गया, तो वो क्या करता है कि अपने हमारे शरीर में जाके अपनी कॉपीज नहीं बना सकता है, लेकिन वो प्रोटीन है, वो हमारे शरीर में जैसे ही प्रोटीन जाती है, हमारी जो सेल की एंटीबॉडीज है या सेल की इम्यूनिटी सिस्टम है, उस सिस्टम को पता चल जाता है कि हाँ ये कोई प्रोटीन है, ये इसको हमें रिपेल करना है या इसको, इससे हमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डिफेंड करना है। तो क्या वो काम क्या करता है कि वो धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है, और जब तक हमारे एंटीबॉडीज बन के तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद अगर कोई भी कोरोना वायरस या रियल कोरोना वायरस आपके शरीर में गया, तो आपके एंटीबॉडीज उससे पहले आपके शरीर में है और उसको वो बैरियर की तरह काम करना फिर से स्टार्ट कर देता है। तो सिंपल कोवैक्सीन है, जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है और ये बहुत ही पुरानी वैक्सीन का तरीका, बनाने का तरीका है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो ये दो वैक्सीन बनाई गई ये कितनी खतरनाक हो सकती है। क्या इनमें कोई भी ऐसी चीज है, जैसे इबोला वायरस है, फ्लू वायरस है, जीका वायरस है, इन सबके वैक्सीन आप लेते चले आए हैं पहले से, तो जो वैक्सीन बनाई गई है वो इन्हीं बेस्ड पे बनाई गई है। ठीक है, तो जो ये कोवैक्सीन है, जो ट्रेडिशनल बेस्ड वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन जो हमारी पहले से आ रही है, वो सीजनल इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन आती है लगाई जाती है, रेबीज की वैक्सीन है वो लगाई जाती है, जैसे कि बहुत सारे हमारे, अगर किसी ने, किसी को डॉग ने काट लिया या ऐसे किसी जानवर ने काट लिया जिसमें रेबीज होती है, उसकी जो वैक्सीन होती हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं। उसके बाद जो पोलियो की वैक्सीन, जो आपने सबसे ज्यादा देखी होगी, हर साल पिलाई जाती है, बच्चों को पिलाई जाती है, वो जो पोलियो की वैक्सीन है वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे बनाई गई है, यानी कि एक रियल वायरस को लेके उसको इनएक्टिव करके आपके शरीर में डाला जाता है। थर्ड वैक्सीन जो भारत सरकार ने अप्रूव करी है, उसको जो इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया है, वो है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है, इन दोनों तरीके से ही बनाई गई है, यानी कि जैसे कि हमारी कोविशील्ड बनाई गई थी, सेम फॉर्मूला यूज किया गया है, लेकिन वहां पे क्या था कि जो एडेनो वायरस जो था, सर्दी जुकाम करने वाला जो वायरस था एडेनो वायरस, वो चिंपैंजी से लिया गया था। यहाँ पे जो ह्यूमंस पे सर्दी जुकाम करने के लिए वायरस होता है, उस वायरस को लेके उसकी जो प्रोटीन स्पाइक्स थी उनको हटा के कोरोना वायरस की प्रोटीन स्पाइक्स लगा दी गई और इसको बॉडी में डाल दिया गया। तो जो ये स्पुतनिक वी वैक्सीन है, इसको दो वायरसेस के से बनाया गया है, दो तरीके के वायरस से बनाया गया है, और इनको दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहले का नाम दिया गया है
RAD 26 एंड दूसरे का नाम दिया गया है RAD 5। तो ये दो तरीके के अलग अलग वैक्सीन हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी हम बात करेंगे कि इसकी क्या डोज होती है। तो ये हमने देखा होगा कि कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, दोनों के दो दो डोजेस लगते हैं और उनके दोनों डोज सेम वैक्सीन के होते हैं, यानी कि सेम दवा के होते हैं। और यहाँ पे अगर स्पुतनिक वी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो डोजेस दिए जाते हैं सभी को, लेकिन ये अलग अलग दवा के होते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से जान सकते हैं इसको कि अलग अलग दवा के दो डोज दिए जाते हैं। तो पहला जो डोज दिया जाता है उसको वो काम क्या करता है, वो भी सेम काम करता है कि जो हमारी एंटीबॉडीज थी वो जाके हमारे सेल्स पे बैठ जाती हैं, जब भी कोरोना वायरस आता है तो वो उसको रिपेल कर देता है या हमारे सेल्स से अटैच नहीं होने देता है उसको, जिससे कि कोरोना वायरस हमारे सेल में नहीं जा पाता है, बॉडी के अंदर सेल में नहीं जा पाता है और वो अपनी बहुत सारी लाखों करोड़ों कॉपीज नहीं बना पाता है, जिससे कि हमारा शरीर कम इफेक्टिव होता है। इन सारे फॉर्मूलोज को लेकर ये सारी वैक्सीन बनाई गई, बहुत सारी वैक्सीन और भी बनाई गई हैं, mRNA बेस्ड वैक्सीन होती हैं, तो उनकी बात हम इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। mRNA बेस्ड वैक्सीन होती हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जो हमारा RNA होता है उसमें एक तरीके का mRNA भी होता है, तीन टाइप के होते हैं, इसमें एक mRNA होता है या mRNA की बात करते हैं तो वो क्या होता है, मैसेंजर RNA। वो क्या करता है कि हमारे जो DNA से मैसेज लेता है और प्रोटीन तक पहुंचाता है या सेल तक पहुंचाता है प्रोटीन को बनाने के लिए, तो उसको mRNA बोला जाता है। तो इसमें क्या किया गया कि जो जो कोरोना वायरस में जो mRNA था, जो मैसेज था, उस मैसेज को हटा के दूसरा मैसेज डाल दिया गया और एज इट इज वायरस को आपके शरीर में डाल दिया गया। तो उसने क्या काम क्या किया कि हमारे एंटीबॉडीज बनने में मदद करी। तो उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हमारे इंडिया में जो दो वैक्सीन आ रही हैं वो आ रही हैं, एक तो वायरल वेक्टर बेस्ड, जिसमें क्या होता है कि एडिनो वायरस की जो प्रोटीन होती है उसको हटा के कोरोना वायरस की प्रोटीन लगा दी जाती है और हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो इम्यूनिटी सिस्टम को पता चलता है और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है हमारा। दूसरा है कोवैक्सीन, जिसपे बनी है वो है वायरस को इनएक्टिव कर दिया जाता है, ठीक है, जो हमारा रियल वायरस है उसको इनएक्टिव करके हमारे शरीर में डाला जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को पता चल जाता है पहले से कि प्रोटीन इस तरीके की आने वाली है और हमारा शरीर फिर से एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है और हमें कोरोना वायरस से बचाव मिलता है। जो ये तीन वैक्सीन रिस्ट्रिक्टेड यूज लाइसेंस फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, तो तीनों वैक्सीन को इंडिया ने यूज के लिए लाइसेंस दे रखा है। तो इनमें आप कैसे जानेंगे कौन सी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, तो उसके लिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि जो स्पुतनिक है, स्पुतनिक जो वैक्सीन है इसने अपने आप को दो फॉर्मेट में लॉन्च किया है, एक है स्पुतनिक वी और दूसरी है स्पुतनिक लाइट। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्पुतनिक वी है वो उसकी जो दो डोजेस होती हैं अलग अलग, और दोनों डोजेस का अलग अलग फॉर्मूला होता है। एक का फॉर्मूला आता होता है RAD 26 और एक का फॉर्मूला होता है RAD 5, ठीक है। तो जो स्पुतनिक लाइट जो लॉन्च की गई है, तो इसके पहले वाले फॉर्मूले को अकेले लॉन्च किया गया है, जिससे कि क्या होता है कि ये दोनों फॉर्मूले मिलके जो इनकी एफिशिएंसी जो आ रही थी वो 91.6 के अराउंड आ रही थी, ठीक है, 91.6 या 91.4 के अराउंड आ रही थी। तो ये जो अकेली जो वायरस है, ये अकेला वायरस अराउंड 70% 78% की जो है एफिशिएंसी देता है। तो स्पुतनिक वी को दो पार्ट में लॉन्च किया गया है, एक स्पुतनिक वी और दूसरा स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक वी में दो डोजेस दिए जाते हैं आपको और स्पुतनिक लाइट में जो स्पुतनिक वी का पहला डोज था वो डोज आपको दिया जाता है। तो लेकिन अभी जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो स्पुतनिक वी लॉन्च हुआ है, जिसमें कि दो डोजेस दिए जाते हैं। अब इनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और ये कैसे कैसे आपको दी जाते हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन है इंडिया में, तीन वैक्सीन है। सबसे पहले कोविशील्ड आई, कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन, कोवैक्सीन के बाद अब स्पुतनिक वी आने वाली है, जो कि आपको मिड मई से अवेलेबल हो जाएगी। जो स्टोरेज है, ये हमारे इंडिया ने इनको एब्जॉर्ब क्यों किया या हमारे इंडिया के लिए ये क्यों आई। सबसे पहले की बात थी कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा गर्म क्लाइमेट है और हम ज्यादा ठंडी चीजों को यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। तो जो कोविशील्ड है ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के जो टेम्परेचर होता है उसमें स्टोर करी जा सकती है। उसी तरीके से कोवैक्सीन जो है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर करी जा सकती है और स्पुतनिक वी भी जो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर करी जाती है। इसके साथ साथ US बेस्ड मॉडर्ना और फाइजर कंपनी की वैक्सीन है, लेकिन उनको यहाँ पे आने में क्या प्रॉब्लम रही, वो क्योंकि वो -60 से -70 या -80 डिग्री तक वो स्टोर करी जाती है तभी वो काम करेंगी।
तो हमारे इंडिया में उतना टेम्परेचर मेंटेन रखना हर जगह हर छोटे छोटे हॉस्पिटल में बड़ा कठिन काम था, इसलिए उन वैक्सीन को अभी हमारे कंट्री में परमिशन नहीं मिली है आने की। हो सकता है फ्यूचर में वो आ जाए। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात कर लें, एफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड की एफिशिएंसी क्या है, 70% है। जो दो डोजेज है उसकी एफिशिएंसी 70% है। 70% जो एफिशिएंसी किस मायने में है कि दोनों डोजेस लगा देंगी, और कहा गया है कि अगर दोनों डोजेस के बीच का अंतर अगर अगर बढ़ा दिया जाए तो ये 90% तक एफिशिएंट हो सकती है। कैसे 90% तक एफिशिएंट कैसे हो सकती है कि अभी ये वैक्सीन जो है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में लगाई जाती है, यानी कि पहली डोज के बाद 4 से 6 हफ्ते का गैप लिया जाता है और उसके बाद दूसरी डोज दी जाती है। ये कहा गया है कि अगर 8 से 10 हफ्ते का या 8 से 12 हफ्ते का गैप दिया जाए तो यह वैक्सीन और ज्यादा असरदार हो सकती है और इसकी एफिशिएंसी कहां तक पहुंच सकती है, 91% तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी इसकी एफिशिएंसी जो है, जो रिसर्च अभी तक की रिसर्च से पता चला है, वो 70% ही है। दूसरी वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसकी भी दो डोज दी जाती है जो कि 28 दिन के अंतराल में दी जाती है। दोनों डोजें 28 दिन के अंतराल में दी जाती हैं और इसकी जो एफिशिएंसी है अभी तक के रिसर्च में पता चला है 81% के अराउंड एफिशिएंसी रखी गई है। यानी कि इसकी एफिशिएंसी जो अभी की प्रेजेंट रिसर्च से पता चला है, जो कोविशील्ड की एफिशिएंसी है उससे ज्यादा है, यानी कि 81% की है। और स्पुतनिक वी भी दो डोजेस में दी जाती है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। एक कौन सी थी, RAD-26 और दूसरी थी RAD-5। ठीक है, दोनों डोजेस अगर आपको लग जाती हैं तो आपकी जो इस वैक्सीन की एफिशिएंसी है वो कितनी आती है, वो अराउंड 91.6 आती है। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो कोविशील्ड की एफिशिएंसी अराउंड 70%, कोवैक्सीन की एफिशिएंसी अराउंड 81% और थर्ड जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी उसकी एफिशिएंसी कितनी, अराउंड 91.6%। अब स्पुतनिक भी दो पार्ट में लॉन्च करी गई है, जो वर्ल्ड में लॉन्च करी गई, हमारी इंडिया में तो अभी दो डोज वाली है। जो सिंगल डोज है इसकी, अगर उसको अकेले लिया जाए तो उसकी जो एफिशिएंसी है अराउंड 79% है। तो यहां से आप समझ सकते हैं, अगर एफिशिएंसी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं है कि अगर आपके शरीर में जाके वो कुछ हार्म कर रही है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर आपको वो दोनों डोजेस दे दी गई, अगर 100 लोगों को वो दो डोजेस दी गई तो 81% जो लोग हैं, यानी 81 जो पर्सन्स हैं, उनके शरीर में तो एंटीबॉडीज बनेंगी ही बनेंगी। इसका कहने का ये मतलब है, ये नहीं है कि जो बचे के लोग हैं उनको कोई इफेक्ट आएगा, नहीं। एफिशिएंसी का यहाँ पे मतलब है, अगर 100 लोगों में ये डोज दी गई, 100 लोगों में जो 81% एफिशिएंसी का जो बात कही जा रही है, तो 81% लोगों में वो एंटीबॉडीज आ जाएंगे। उसी तरीके से कोविशील्ड में क्या है कि 70% लोगों में वो एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी। उसी तरीके से स्पुतनिक वी में 91.6% लोगों को वो देखने को मिलेगी, जो अभी तक की रिसर्च है, जो जो इनकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की है रिसर्च, WHO ने जो जारी किया है डेटा, वो ये डेटा ये कहता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं रिस्क की, कि जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं उनमें क्या क्या रिस्क हो सकती है। जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन में ऐसी कोई खास रिस्क अभी तक देखी नहीं गई है। तीन फेज का ट्रायल इसका हुआ है और लोगों को दी जाने भी लगी है, तो इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं देखा गया है। थोड़ी थोड़ी से साइड इफेक्ट है जो नॉर्मल सी दवा वैक्सीन लगवाने के बाद आते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को अगर वैक्सीन लगती है तो भी उनको बाद में फीवर आता है, उसी तरीके से इसका भी साइड इफेक्ट है कि जब वैक्सीन लगती है उसके बाद आपको फीवर हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके शरीर में रैशेज पड़ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग सी आ सकती है, आप थकान महसूस कर सकते हैं। तो और जहाँ पे आपने वैक्सीन लगवाई है रेडनेस हो सकती है आपको, और आपके स्वेलिंग आ सकती है वहाँ पे, उसके बाद पेन हो सकता है इंजेक्शन लगवाने वाली जगह पे। तो इस तरीके के जो नॉर्मल से साइड इफेक्ट आते हैं वो आते हैं इस वैक्सीन को लगवाने के बाद। और दूसरा बात है कि कई बार रिसर्च में कहा गया है कि इन वैक्सीन को प्रिकॉशन के साथ लेना चाहिए, प्रिकॉशन के साथ या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लेना चाहिए। किन लोगों को लेना चाहिए, जो कि अपने शरीर में ब्लड पतला करने की दवाएं खा रहे हैं, या किन्हीं को किसी को ब्लड डिसऑर्डर की कोई गंभीर बीमारी है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो डॉक्टर से संपर्क करके सलाह से ये वैक्सीन लें। दूसरी वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड की एक्स्ट्राजेनिका। ऑक्सफोर्ड की जो एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन है इसको वर्ल्ड के 62 कंट्रीज में लगाया जा रहा है इस टाइम। और इसके जो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट देखे गए कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग्स होने लगी, जो भी ये वैक्सीन ले रहा था उनके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग्स देखी गई। ठीक है,
तो इसको बीच में अमेरिका ने और कई सारे कंट्रीज ने इसको बैन भी कर दिया था, लेकिन अभी ये वैक्सीन को उन्होंने फिर से ओपन कर दिया है लगवाने के लिए। हो सकता है उसमें कुछ सुधार किए गए हो, या दूसरी रिसर्च करी गई हो, या हो सकता है कि जिनको ये ब्लड क्लॉटिंग्स देखने को मिली उनको पहले से कोई बीमारी हो। तो इन सब सारी रिसर्च को देखते हुए इस जो वैक्सीन को दोबारा से लगाने के लिए मार्केट में लाया गया है। तो अभी ये लगभग 62 कंट्रीज में लगाई जा रही है वैक्सीन, और हमारी इंडिया में भी ये सबसे पहले यही वैक्सीन लगाना स्टार्ट हुआ था और अभी भी यही वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इसके जो नॉर्मल से साइड इफेक्ट है वो भी यही है कि जहां पे आप वैक्सीन लगवा रहे हैं वहां पे इंजेक्शन लगा है, वहां पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकती है आपको, यानी कि सर दर्द हो सकता है। तो यही सारे नॉर्मल से साइड इफेक्ट हैं इसके भी, ऐसा कोई खास खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कोविशील्ड में कहा गया कि उसकी जो एफिशिएंसी है 81% के अराउंड एफिशिएंसी, अगर किसी को वैक्सीन लगी हुई है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये 100% दावा किया जा रहा है। उसी तरीके से ये कोविशील्ड का भी ये दावा है कि जिस व्यक्ति को ये वैक्सीन लगी है उसको कोरोना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। बात कर लेते हैं स्पुतनिक वी की। स्पुतनिक वी में अभी तक ऐसी कोई खतरनाक साइड इफेक्ट को नहीं देखा गया। अभी ये वर्ल्ड में लगभग 60 कंट्रीज में लगाया जा रहा है, 60 कंट्रीज ने इसको अपने यहाँ लगवाने का लाइसेंस दे रखा है, और ऐसी कोई खास इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। इसके भी वही साइड इफेक्ट है नॉर्मल से, हेडेक, फीवर और पेन, ठीक है, आपको फ्लू लाइक फील हो सकता है, यही सारे इसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो तीनों वैक्सीन के हमने बारे में बात कर ली, कौन कौन सी वैक्सीन किस तरीके से बनी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके शरीर में जाके कोई हार्मफुल हो जाएगी, क्योंकि ये सारी वैक्सीन जो बनाने के तरीके जो यूज किए गए हैं ऐसी वैक्सीन को आप पहले से ही लेते चले आ रहे हैं। तो इसका कोई नया तरीका नहीं है कि कोई नई तरीके की दवा आपके शरीर में डाल दी गई जिससे कि आपको ज्यादा कोई खतरा हो सके। हो सकता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को जल्दी सूट कर जाएगी, किसी को बाद में सूट करेगी। तो इस सब चीजों के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रह सकते हैं, एक्सपर्ट के साथ संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन तीनों वैक्सीन लगवाने के लिए जो WHO ने बोला है, ICMR ने बोला है, ये सुरक्षित है। तो आप अगर डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, या जैसे कि हमारी टीम को कई सारे लोगों ने बोला कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की मौत हो जाती है, या वैक्सीन लगवाने से कुछ और हो जाता है, लोग डर रहे थे, भारत सरकार ने बहुत सारे टीकाकरण के अभियान भी चला रखे और लोग नहीं लगवा रहे। उसी वजह से क्या हुआ कि हमारा सेकेंड फेज देखने को मिला कोरोना वायरस का, और सेकेंड फेज में क्या हुआ कि लोगों को और जल्दी ये बीमारी लगना स्टार्ट हुई, क्योंकि वायरस डबल म्यूटेंट वायरस हो गया और अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर लिया वायरस ने, और वो 14 दिन की बजाय 4, 5, 6 दिन में ही लोगों को हार्मफुल स्टेज में पहुंचाने लगा। तो अगर थर्ड फेज की बात करी जा रही है तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी सभी लोगों को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अब कौन सी वैक्सीन लगवानी है, हमने तीनों वैक्सीन के बारे में बात करी, डिटेल में बात करी, सबके हार्मफुल इफेक्ट भी बताए, सब कौन वैक्सीन कैसे बनाई गई है वो भी बताया। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए आपके। वैसे भी तो आपको कोई भी वैक्सीन, क्योंकि सब में देखा गया है कि सबके जो एफिशिएंसी है, लगाने के तरीके हैं, वो सबके लगभग सेम है। तो जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल हो जल्दी से जल्दी आप उसको ले लें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि देखा गया है कि वैक्सीन जो अगर आपने वैक्सीन ली है तो दोनों डोज लेने के लगभग 30 से 35 40 दिन के बाद ही आपके शरीर में अच्छे से एंटीबॉडीज बन पाती हैं। तो जितनी जल्दी आप इस वैक्सीन को लगवा लेंगे उतनी जल्दी ही आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होंगी और आप कोरोना वायरस से सुरक्षित हो सकेंगे। जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा कि USA ने, इसराइल ने अपने आप को मास्क फ्री कर दिया, इसी तरीके से अगर इंडिया को अगर मास्क फ्री करना है, आपको मास्क नहीं पहनना है, तो जल्दी से जल्दी आप इन डोजेस को लें। तो ये जो आप जो सारा मैटर हमने यहाँ पे बताया वो सारा डेटा आपको कहाँ से मिला, ये जो रेफरेंसेस थे वो ये। एक बात और बात कर लेते हैं कि जैसे कि अभी जब स्पुतनिक वी इंडिया में आ गई है तो स्पुतनिक वी को लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा, डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है इंडिया में। और इसके जो प्राइसिंग रखी गई है, प्राइसिंग क्या रखी गई है कि जो इसकी इंपोर्ट प्राइस है वो अराउंड 948 रुपीज की है, और इसके साथ 5% GST के साथ इसको 995 के अराउंड जो कॉस्ट आएगी उस पर रखा गया है, ठीक है। तो ये नई अपडेट है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी लर्नोवर्सिटी टीम को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले इस तरीके की चीज़ों को लाने के लिए, जिससे कि समाज को मदद मिल सके और आपके दिमाग में जो भी डाउट है उनको हम क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।